वीडियो में हम बात करेंगे मैनिटोल इंजेक्शन के बारे में। मैनिटोल इंजेक्शन के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होता है और किस समय इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे DNS, D5, D10, मेट्रोजिल, सिप्रो, ऐसे ही आपका एक मैनिटोल इंजेक्शन आता है। अब बात करें मैनिटोल इंजेक्शन के यूज की, तो जैसे कि किसी भी पेशेंट के ब्रेन प्रॉब्लम होती है, दिमागी दर्द होता है या दिमाग की नसों में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आजकल वायरल फीवर चल रहा है तो पेशेंट सर में दर्द ज़्यादा बता रहे हैं, सर में दर्द या चक्कर आना, माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बात करेंगे कि मैनिटोल इंजेक्शन शुगर वाले पेशेंट को दे सकते हैं या नहीं। तो जो मैनिटोल इंजेक्शन होता है ये आप शुगर वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं। मैनिटोल इंजेक्शन 100 ml की पावर में आता है और मैनिटोल इंजेक्शन कभी भी पेशेंट को फीवर के समय नहीं दिया जाता। कभी कभी क्या होता है कि आप ज़्यादा तेज फीवर में मैनिटोल इंजेक्शन लगा देते हैं तो पेशेंट को रिएक्शन होने का खतरा रहता है। बात की जाए मैनिटोल इंजेक्शन की, तो मैनिटोल इंजेक्शन 35 से 36 रुपये की आपको MRP पे मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। अब बात करें कि मैनिटोल इंजेक्शन लगाने से पेशेंट के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। कभी कभी क्या होता है जैसे आप मैनिटोल इंजेक्शन पेशेंट को IV देते हैं इन्फ्यूज़न के तौर पर, तो उसको हल्के हल्के चक्कर से महसूस होने लगते हैं लेकिन ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैनिटोल इंजेक्शन पर साफ लिखा हुआ था स्टरील नॉन प्रेगनेंसी सिंगल डोज कंटेनर, यानी कि ये एक डोज होती है और इस पे ये भी साफ होता है लिखा हुआ कि ओनली IV यूज, यानी कि आप किसी भी पेशेंट के IV यूज ही करेंगे और आप उसको IM नहीं दे सकते। तो जैसे कि हमने कार्य बताया कि जब किसी पेशेंट के सर में दर्द हो, सर की इंजरी हुई हुई हो या सर का कोई ऑपरेशन होता है या दिमाग में कोई परेशानी आ रही है, सर में दर्द रहता है, चक्कर आती है, बेचैनी, तो उस समय इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है और उस समय इसका यूज किया जाता है। तो आगे भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। हमारे